ये बहुत ही हर्ष का विषय है कि आज हम सबके बीच में काफी लंबे अंतराल के बाद छत्तीसगढ़ के हमारे यशस्वी नेता, छत्तीसगढ़ प्रदेश के जिन्होंने यहाँ के सर्वांगीण विकास के लिए, चहुंमुखी विकास के लिए पूरे 15 सालों तक विकास का गंगा बहाया, ऐसे नेता भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, छत्तीसगढ़ प्रदेश के हमारे पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय डॉक्टर रमन सिंह जी का आज मां महामाया की धरती पर आगमन हुआ है। हम उनका हार्दिक अभिनंदन करते हैं, उनका स्वागत करते हैं। साथ ही साथ मित्रों, आज हम सबके आदरणीय छत्तीसगढ़ प्रदेश के हमारे कोषाध्यक्ष और पूर्व विधानसभा के हमारे अध्यक्ष आदरणीय गोरी भैया इस मौके पर उपस्थित, उनका भी मैं स्वागत करता हूं। मैं स्वागत करता हूं भारतीय जनता पार्टी के हम सबके वरिष्ठ नेता आदरणीय मेजर अनिल सिंह जी का, आदरणीय भारतीय जनता पार्टी के जिला के अध्यक्ष भैया ललन प्रताप सिंह जी का, भारतीय जनता पार्टी के पिछड़ा जाति मोर्चा के प्रदेश के अध्यक्ष भाई अखिलेश सोनी जी का, साथ ही साथ पूर्व विधायक, पूर्व सांसद, हमारे लोकप्रिय नेता, हमारे अनुसूचित जनजाति मोर्चा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भाई कमल भान सिंह जी का, आदरणीय शिवनाथ बैगा जी का, आदरणीय भाभी रजनी रविशंकर त्रिपाठी जी का, भारत सिंह जी का, त्रिलोक कपूर कुशवाहा जी का, साथ ही साथ हमारे वरिष्ठ नेता प्रबोध मीन जी का, अभिमन्यु गुप्ता जी का और सभी वरिष्ठ साथीगण उपस्थित हैं। आज डॉक्टर साहब का आप सबके बीच में, जैसा बताया कि काफी लंबे समय के बाद सरगुजा का प्रवास हुआ है और इस प्रवास में हम लोग देख रहे हैं कि पिछले 3 साल कांग्रेस की सरकार हो गया, इन 3 सालों में ही हम सबको सरगुजा वासियों को, सरगुजा क्षेत्र ही नहीं बल्कि समूचे प्रदेश की हालात, आप सबसे कोई ऐसा नहीं है, छिपा हुआ नहीं है। तो आप सभी पत्रकार मित्रगण यहाँ उपस्थित हैं, वरिष्ठ पत्रकार आदरणीय त्रिलोक कपूर जी, आदरणीय सुधीर पांडे जी और हमारे लव दुबे जी सहित अन्य सभी पत्रकार मित्रगण हैं। आप सब तमाम सारे जो जरूरत मुद्दे हैं उन मुद्दों के आधार पे आप तो बात करेंगे ही, लेकिन हम सब इतना महसूस जरूर करते हैं कि हम लोग की सरकार के समय जो विकास के काम और जो लाइन ऑर्डर और बाकी चीजें जो परिस्थितियां थी उसको देखिए और वर्तमान समय में क्या हालात हैं उसको आप सब भी महसूस कर रहे हैं। मैं समझता इन सभी समसामयिक विषयों पे आदरणीय डॉक्टर रमन सिंह साहब प्रकाश डालेंगे। मैं उनसे आग्रह करता हूँ इन सभी विषयों के बारे में आप सबसे मुखातिब होंगे। आदरणीय डॉक्टर साहब, पत्रकार मित्रों और हमारे सभी साथी, हमारे वरिष्ठ नेता रामचंद्र नेताम जी, गौरीशंकर जी, अखिलेश जी, मेजर सुरेश सिंह जी, हमारे जिलाध्यक्ष नरन जी, सभी हमारे कमल भान सहित सभी हमारे पूर्व
जिले के पूरी टीम और प्रदेश के सभी पदाधिकारी, मुझे लगता है कि अंबिकापुर बहुत दिन बाद आपके बीच आने का अवसर मिला है और 3.5 साल इस सरकार के भी हो चुके हैं और 3.5 साल की यात्रा जितना प्रदेश में हमने देखा है और जितना सरगुजा ने भोगा है, मुझे लगता है कि ये 3.5 साल आपके पूरे सिर्फ इसी मुद्दे में निकल गए कि जो प्रदेश के कांग्रेस के शीर्ष नेता आपस की लड़ाई का युद्ध भूमि यदि बना है तो सरगुजा होता है और उस शीर्ष नेताओं के इस युद्ध का सबसे बड़ा भुक्तभोगी यदि कोई रहा है तो संभाग रहा है। छत्तीसगढ़ में ऐसे डेवलपमेंट तो कहीं नहीं हुए, 3.5 साल से विकास होता है, मगर सबसे ज्यादा यदि विकास को रोका गया है जानबूझकर तो वो सरगुजा का विकास रोका गया है। एक प्रकार से बदला लेने की कार्रवाई हुई और वो 15 साल मुझे ख्याल है सरगुजा का, जब मैंने घोषित किया था कि इसको संभाग को मैं गोद में लेता हूँ तो लोगों ने उस समय मजाक के लिए लिया था, मगर आज पलट के मैं देखता हूँ तो सारे डेवलपमेंट के बड़े काम जो भी माइल स्टोन मेडिकल इंजीनियरिंग से लेकर नेशनल हाईवे के जाल बिछाने से लेकर नगर निगम में आंतरिक सड़क और बाईपास सड़क से लेकर ग्रामीण विद्युतीकरण के काम, इतने सारे डेवलपमेंट के काम हर गाँव में, शक्कर का नया कारखाना, यानी जितने माइल स्टोन है वो 15 साल में हुए और आज ये सबसे ज़्यादा खराब स्थिति सरगुजा संभाग की है। तो मुझे लगता है कि ये हालात से निकलना मुश्किल है, जबकि सरगुजा के लोगों ने कांग्रेस को भरपूर समर्थन दिया, पूरे के पूरे विधानसभा जिताने का काम सरगुजा के लोगों ने बड़े विश्वास के साथ किया और वो विश्वास को खंडित होते हुए हम देख रहे हैं, लोगों का भरोसा टूटता हुआ दिख रहा है और टूटता भी इसलिए कि आज विकास शून्यता की स्थिति पूरे सरगुजा में मैं देख रहा हूँ और उससे ऊपर और बात, विकास तो नहीं हो रहा है, आपस के द्वंद्व इनके इतने तेज हो चुके हैं तो मुझे लगता है कि अब 1.5 साल में चूंकि एक ही बजट बाकी है तो अब और कोई उम्मीद सरगुजा वालों को होनी भी नहीं चाहिए कि आखिरी बजट में कोई विशेष प्रावधान डेवलपमेंट के लिए हो। तुष्टिकरण की राजनीति यहाँ भी वैसे ही दिख रहा है जैसे मैंने कवर्धा में और अन्य क्षेत्रों में देखा, वहां तो भगवा को कुचला गया, पानी पिया गया, यहाँ तो एक प्रकार से सुनियोजित तरीके से बसाने का काम महामाया के आसपास की पहाड़ी हो और दूसरे क्षेत्रों में जिस प्रकार एक प्रकार एक डेमोग्राफिक चेंजेस दिख रहे हैं पूरे सरगुजा क्षेत्र में, न केवल सरगुजा में बल्कि बॉर्डर के अन्य जो हमारे संभाग वहाँ भी, ये एक बड़ा षड्यंत्र का हिस्सा है और लोग मांग भी करते हैं, ये घोषित भी हो जाता है कि अवैध कब्जा है और उसको भी हटाने की हिम्मत प्रशासन शासन के पास नहीं है। तो ये पूरे प्रदेश में चल रहा है इस प्रकार के तुष्टिकरण और इसकी शुरुआत कवर्धा से हम लोगों ने देखा था और यहाँ भी मैं महसूस करता हूँ कि वही स्थिति सरगुजा में मैं देख रहा हूँ। आज के हालात में पूरे छत्तीसगढ़ आप आश्चर्य करेंगे कि 3.5 साल निकलते निकलते इस सरकार के ऊपर जो कर्ज का बोझ बढ़ते बढ़ते कहां तक पहुंच सकता है। हम लोगों ने भी सरकार चलाई, हम लोगों ने भी राज किया और 15 साल मैं मुख्यमंत्री की हैसियत से मैंने काम किया, 15 साल 15 साल में 36,000 करोड़ कर्ज लिया और इनके 3.5 साल हुए हैं। इस 3.5 साल के पीरियड बीतते बीतते अभी आखिरी बजट के भाषण में हम लोगों ने बताया कि वो कर्ज छत्तीसगढ़ में 81,000 करोड़ तक पहुंच गया है, जिसका ब्याज जो है इंटरेस्ट सिर्फ 12,000 करोड़ रुपया हर साल ब्याज में देना पड़ता है।
आर्थिक दिवालियापन का नमूना इसलिए बता रहा हूं मैं कि हम भी कर लिए तो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए सड़क का जाल बिछाना, पुल पुलिया तो जाल बिछाना। यहां तो ऐसी सरकार मैंने दुनिया में नहीं देखी होगी कि अमृत मिशन में यदि यहां 100 करोड़ मिलता है शहर के पेयजल के लिए, उसमें इतना बंदरबाट होता है कि 100 करोड़ के काम में आधी पाइपलाइन बिछाते हैं जबकि पूरा बिछना चाहिए और 70 करोड़ का डिमांड होता है। ये 3000 करोड़ से ज्यादा का पैसा अमृत मिशन में मिला हुआ है और उसका पूरे छत्तीसगढ़ में वही हाल है जो अंबिकापुर में मैंने देखा। एक सबसे बड़ी पीड़ाजनक बात जो मुझे बताता हूं मैं कि पूरे देश में करीब करीब 1.80 करोड़ यानी 2 करोड़ प्रधानमंत्री आवास बन गए, मध्य प्रदेश में 23 लाख बन गए, छत्तीसगढ़ में 22 लाख बन जाना था, 12 लाख स्वीकृत हो गया था केंद्र के द्वारा। प्रधानमंत्री आवास योजना में जो 40% का मैचिंग ग्रांट दिया जाता है वो 40% राज्य सरकार को लगाना था। इनकी आर्थिक स्थिति ऐसी है कि ये उसमें 40% नहीं लगा पाए। 12 लाख प्रधानमंत्री आवास योजना गरीबों का छीनने का अपराध भूपेश बघेल ने किया है। मैं साफ आरोप विधानसभा में लगाया हूँ 12 लाख गरीबों का आवास छीनने का दोषी यदि कोई है तो भूपेश बघेल है और इस दोष के लिए इनका कोई काम बचा नहीं है। सिर्फ और सिर्फ पुरानी योजनाओं का नामकरण, वल्दियत कुछ भी हो नामकरण ये करेंगे, यानी किसी ने योजना बनाई हो, किसी ने योजना को प्रोजेक्ट बनाया हो, मगर ये सब होने के बाद आखिर वो नामकरण, इनका सिर्फ यही उपलब्धि बची रहेगी शायद कि ये नामकरण के नाम से पूरे छत्तीसगढ़ में सभी प्रोजेक्ट का नामकरण करने का काम कर रहे हैं और पूरे छत्तीसगढ़ को गर्व में ले जाने का काम कर रहे हैं। अभी खैरागढ़ उपचुनाव हुआ, तमाशा ये हुआ कि उपचुनाव खैरागढ़ में हो रहा है, मुख्यमंत्री इतना घबरा गया कि वहां के एक नगर पालिका चुनाव हुआ था खैरागढ़ में, उस नगर पालिका को जीतने के लिए उसने घोषणा कर दिया कि मैं जिला बना दूंगा यदि नगर पालिका खैरागढ़ में चालू है। वो वोट चोरी करके और जिला के नाम से मुश्किल से वो सीट जीत सके जबकि हम भारतीय जनता पार्टी वहां जीत रही थी। अभी विधानसभा में उन्होंने फिर से इतनी बड़ी बड़ी योजना बताते हैं कि हम गाय की योजना, धान की योजना बना रहे हैं, 2500 रुपये दे रहे हैं, ये कर रहे हैं, नरवा गरवा गुरुआ बारी कर रहे हैं, सब कर रहे हैं, मगर उन योजना पे भरोसा नहीं हुआ। उसने विधानसभा में 29 सूत्री घोषणा पत्र जारी किया खैरागढ़ की विधानसभा, यानी विधानसभा में कोई घोषणा पत्र जारी नहीं करता और सत्तारूढ़ पार्टी का भी घोषणा पत्र जारी करता ही नहीं, वो तो सत्ता में बैठे हैं, उनको तो निर्माण कार्य की स्वीकृति देनी चाहिए, नया तहसील का निर्माण, उप तहसील का निर्माण, जिले का निर्माण, कॉलेज का निर्माण बोल देंगे। इतना घबराया हुआ, इतना परेशान मुख्यमंत्री कि उसको लगा कि उसके सारे ब्रह्मास फेल हो गए। तब एक विधानसभा में 8 दिन घूमता रहा, ये हालत पूरे छत्तीसगढ़ में जो आक्रोश है जनता का वो नमूना हमने खैरागढ़ के चुनाव में देख लिया कि इसके प्रति कांग्रेस के कार्यकर्ता गांव में जाने की हिम्मत नहीं कर रहे थे, कुछ मुद्दे नहीं थे इनके पास जाने के, और ये ऐसा चुनाव खैरागढ़ में हुआ। आज यहाँ मैं आया हूँ, यहाँ के कार्यकर्ताओं ने भी बहुत सारी बातें बताई कि किस प्रकार जंगल की कटाई हो रही, जंगल में आग लगा है और कोई देखने वाला नहीं है, जिस प्रकार संभाग से रेत बाहर जा रहा है उत्तर प्रदेश और बिहार, नदियों की धारा बदलने का काम कर रहे हैं ये कांग्रेस ग्रुप, नदी इतनी गहरी हो जाएगी कि नदी का डेप्थ निकल जाएगा तो उस धारा, और वो भी छत्तीसगढ़ में रायपुर से आके यहाँ पे रेत का अवैध व्यापार चल रहा है, गुंडागर्दी इतनी है रेत में। एक छोटा सा उदाहरण मैं दूंगा कि छुरिया में विधायक है चन्नी साहू, उसने रेत माफिया का विरोध किया तो उसके पति को, विधायक के पति को एट्रोसिटी एक्ट में जेल के अंदर डाल दिया, यानी सरगुजा में कोई रेत का विरोध करेगा उसको एट्रोसिटी लगेगा या उसको धारा लगेगा, उसको जेल के अंदर डाल दे। पत्रकारों को भी यहाँ 3-4 दिन तक बिना जमानत के जेल में डालने का षड्यंत्र हो रहा है, इसलिए कि गो तस्करी का कोई विरोध करता है उसके अंदर। इतने दहशत में है मीडिया जगत, कोई कुछ कलम चलाने की कोशिश करता है उसके खिलाफ
मामला तैयार एसपी और कलेक्टर रखता है। ऐसी स्थिति आपातकाल में नहीं थी। मैं इस दौर को आपातकाल से खराब मानता हूं, जहां लिखने की आजादी को छीनने का षड्यंत्र हो रहा है। ये भूपेश बघेल के माध्यम से ये सरकार कर रही है, ये निश्चित रूप से तकलीफदायक है। और आप मुझसे ज्यादा नजदीक से देख रहे हैं, जान रहे हैं, और सरगुजा वाले तो उस पीड़ा को भोग भी रहे हैं। तो मुझे लगता है कि अब आप कुछ पूछना चाहें तो। सर, खैरागढ़ चुनाव को लेकर क्या कहेंगे आप? जो चुनाव आज मतदान शुरू हो गया, मतदान हो गया है, और खैरागढ़ में बहुत अच्छी स्थिति है। भारतीय जनता पार्टी के इतने सब पैसे बांटने, कितने ट्रकों में साड़ियां पकड़े, कितने कंबल पकड़े, कितने दारू पकड़ी, हर गांव में जब्ती किया, सब करने के बाद भी उनको हिम्मत नहीं है। इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की स्थिति बेहतर होगी और हम चुनाव जीतेंगे। बस्तर संभाग में लगातार आदिवासियों का विरोध देखते हुए मिल रहा, कांकेर से लेकर नारायणपुर हो, चाहे फिर सुकमा का मामला हो, घेराव होता है, आदिवासी मांग करते हैं कि कलेक्टर को हटाया जाए, लेकिन सरकार उनकी नहीं सुन रही है। नौबत यहाँ तक आती है कि विधानसभा घेराव करने की निकलना पड़ रहा है। मैं तो इंतजार कर रहा हूँ, सरगुजा में कब होगा? यहाँ भी तो वही हालत है, बस्तर की हालत है, और यहाँ भी स्थिति बननी चाहिए कि जनता का आक्रोश सड़क में नहीं दिखेगा तब तक क्या महसूस होगा। बीजेपी शायद नहीं चाह रही कि सरगुजा, बीजेपी क्यों नहीं चाहेगी? बीजेपी बिल्कुल चाहेगी, और बीजेपी का हाथ दो रंग सामने रहेगा। भूपेश जी का आरोप है कि आप लोग सहयोग नहीं कर रहे हैं प्रदेश के विकास में, केंद्र में आपकी सरकार है और आप लोगों को जो पहल करनी चाहिए वो नहीं कर रहे हैं, और आप लोगों में गुटबाजी के चलते भी आप लोग ध्यान नहीं दे पा रहे हैं प्रदेश को लेकर के। जितना काम हो रहा है प्रदेश में, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, नेशनल हाईवे, स्टेट हाईवे, एडीबी का सड़क का निर्माण करना, जल जीवन मिशन में 3,000 करोड़ काम, जितना भी काम आपको आज छत्तीसगढ़ में दिख रहा है वो सब केंद्र के द्वारा दिए गए पैसे से हो रहा है, इनके फंड से कोई काम। और आपको मैं बताऊंगा कि केंद्र सरकार ने राज्य सरकार को दिए जाने वाला केंद्रीय बजट से जो शेयर देते थे पहले स्टेट को, पहले 32% केंद्र का राशि मिलता था केंद्रीय बजट से, 32% को बढ़ा के अब 42% कर दिया गया। सीधा सीधा 10% केंद्र सरकार ने अपना शेयर बढ़ा दिया है। तो इनको ये कहने का हक ही नहीं बनता कि हम पैसा नहीं दे रहे हैं। इनके पूरे पैसे का सिर्फ उपयोग हो रहा है नरवा गरवा गुरुआ बारी, और उस गोबर को खरीदने के बाद 2 रुपया गोबर खरीद रहे हैं और 10 रुपया का पत्थर कंकड़ मिला के खाद दे रहे हैं। यही काम ये कर रहे हैं भूपेश बघेल। कई सैकड़ों करोड़ रुपया इसमें बर्बाद हो चुका है छत्तीसगढ़ का, मगर इसके सिवाय भूपेश के पास बोलने के लिए कुछ नहीं। ये कर्ज के लिए आपने शुरुआत की, उनका ये आरोप है कि आपने ज्यादा कर्ज लादा, उसी परंपरा को हम लोग आगे बढ़ाए तो ये कर्ज हम लोग 82,000 पहुंच गया। हमने मैंने आपको बताया ना कि जब मैं मुख्यमंत्री बना, उसके पहले जोगी जी मुख्यमंत्री थे 3 साल, 3 साल में उन्होंने करीब करीब 8,000 करोड़ कर्ज लिया, 8,000, और उसके बाद हम लोग बने 15 साल में हम लोगों ने 36,000 लिया, मगर इसके बाद का जितना कर्जा लिया हुआ है वो पूरा कर्जा भूपेश सिंह के द्वारा लिया गया है, और कर्जा बढ़ते बढ़ते इतना हो गया कि अब ब्याज पटाना भी इनके लिए मुश्किल हो रहा है। कर्जा लेना बुरा नहीं मानता, डेवलपमेंट के लिए कर्ज लेना चाहिए और कर्ज लिया जाता है, और अभी भी मैं बोलता हूँ तुम कर्ज लो ना प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए, उसको पूरा करने के लिए 20 लाख आवास को करने के लिए आप 10,000 करोड़ कर्जा और ले लो, 15,000 करोड़ कर्जा ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसी योजनाओं में जिसमें गरीबों का भला हो, इंफ्रास्ट्रक्चर बने, नेशनल हाईवे के डेवलपमेंट के लिए एडीबी से लोन लेते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, मगर आप अनावश्यक ऐसे मद में खर्च ले रहे हो जिसका कोई उपयोगिता नहीं है तो उसका। और अभी तो पूरे प्रदेश में आर्थिक जिस प्रकार से लूट खराब चल रहा है, कोयले में 25 रुपया खुलेआम टैक्स लेने की परंपरा हिंदुस्तान में किसी राज्य में नहीं होगी, पर टन 25 रुपया लिए बिना छत्तीसगढ़ से 1 किलो कोयला नहीं जा सकता खुले ली। गांव गांव में, होटल में, पांडला में, छटका है, कोरबा के एक एक बच्चा जानता है, छत्तीसगढ़ का बच्चा जानता है, रेत में वही शराब माफिया काम करते। तो ये सरकार माफियाओं के गिरोह में है,
कलेक्टर और एसपी की पोस्टिंग आईपीएल में जैसे ऑप्शन होता है ना, ऑप्शन जैसे होता है। कोरबा का कलेक्टर सबसे ज्यादा गोली लगेगा क्यों? डीएमएफ है। नंबर टू में रायगढ़ का उसका करोड़ 10 करोड़ रेट है, तो रायगढ़ का 7 करोड़ में तय हो जाता है। और ये गोली ऐसी भी नहीं है, घटती बढ़ती है आईपीएल की तरह, जिसका परफॉर्मेंस अच्छा होगा तो ये हालत है कि 10 करोड़ में कलेक्टेड बिक रहा है। एसपी का पोस्ट जुआ सट्टा अपराध कर रहे हैं उसमें ऑप्शन में जा रहे हैं पूरा का पूरा, कि कौन सबसे ज्यादा अपराध कर सकता है। खुला है भाई, इसमें आप लोग छापो या ना छापो आपके मालिक कहने, मगर वो छापते ही नहीं जाते। हम इतना बोलते हैं विधानसभा में, वो छापते 10% है। सर 10 करोड़ साल का है कि पूरे कार्यकाल का है? जो नहीं, 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 एक साल के लिए ऑप्शन, एक साल आईपीएल, एक साल आईपीएल आपका परफॉर्मेंस अच्छा रहेगा तब बढ़ जाएगा, तो ये 5 साल के लिए देंगे। उस समय आपके समय तो रेट बढ़े अभी जी, आपके समय तो रेट हमारे समय कोई कलेक्टर, कोई एसपी, कोई अधिकारी, कोई मीडिया बोल रही किसी पोस्टिंग में, ये तो अपराध है ना। कलेक्टर एसपी को यदि आप दबाओगे कैसे? यदि एसपी से पैसा लेके पोस्टिंग करोगे तो जुआ सट्टा अपराध हत्या कैसे बंद होगा? बड़ा साफ बात, आपको तो जूते की धमक होनी चाहिए, सिर्फ धमक से सरकार चलती है। माननीय जैसे आपने भी कहा कि भाई आपका ये दत्तक संभाग इसको आपने एक तरीके से गोद लिया हुआ है और गुटबाजी को आप देख रहे हैं यहाँ पे राजनीति की, लेकिन आपको लगता है बहुत देर कर दिया, बहुत कम आते हैं अपने दत्तक पुत्र को देखने के लिए, आप संभाग को देखने के लिए। दूसरी बात, आपने पिछली बार शायद कहा था ये बात कि अगली बार जब मैं आऊंगा हवाई जहाज से आऊंगा, वो स्वप्न आपके समय में था, आज भी 3.5 साल तक हो गया। आप लोग केंद्र में भी हैं, हमारे सांसद भी हैं राज्य, लेकिन क्या वो स्थिति आज भी है? दूसरी बात, माना आपने 36,000 करोड़ रूपए इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए लिए, लेकिन हमारे राष्ट्रीय राजमार्ग और राजमार्ग आज भी हमारे लिए दिल्ली दूर है, रायपुर दूर है, रायगढ़ दूर है, आज भी वो 15 साल भी हम नहीं भूले, ये 3 साल भी नहीं भूले। देखिए देश बनना शुरू किया 15 साल में, हम कहां से कहां पहुंचे? ये 3.5 साल में वो सारे डेवलपमेंट के काम रुक गए। यदि वो काम कंटिन्यू चलते रहते तो और हम बहुत आगे बढ़ गए। सवाल इस बात का है कि केंद्र में जो सरकार है तो केंद्र के साथ बातचीत करके, गडकरी जी से बात करके डेवलपमेंट के सारे काम हो सकते हैं, मगर आप छत्तीसगढ़ से बाहर जाओगे नहीं, मंत्रियों से बात करोगे नहीं, प्रधानमंत्री से मिलोगे नहीं, तो आपको डेवलपमेंट कहां से पैसा मिलेगा? पैसा मुख्यमंत्री की इच्छा रहती है, मुख्यमंत्री का प्रयास रहती है। कल हाईकोर्ट से एक आदेश जारी हुआ, पिछला याचिका स्वीकार हुई अनुपात की संपत्ति, देखिए हम क्या कहेंगे? आए कि ये राजनीतिक दृष्टि से लड़ाई चलती रहती है, हम जितना बोलते हैं हमारे खिलाफ उतना ही षड्यंत्र होता है। तो ये राजनीतिक जो कांग्रेस का एक पदाधिकारी है उसने आय की संपत्ति का, मैं आपको चूंकि पूछ किया तो बता ही देता हूँ। हर साल हम चुनाव लड़ते हैं और जब चुनाव लड़ते हैं, चाहे विधानसभा का चुनाव लड़े चाहे लोकसभा का चुनाव, हर बार हम रिटर्न भरते हैं विथ एफिडेविट कि मेरी संपत्ति इतना रुपया है, इतना जमीन है, इतना सोना है, इतना चांदी है। 2000 से मैं चुनाव लड़ते भी आ रहा हूं और 2020 तक 18 तक आ गए। हर चुनाव में हम शपथ पत्र में अपने आय की संपत्ति का संपूर्ण ब्यौरा देते हैं। इसको वेरीफाई कौन करता है? फिर एक चुनाव आयोग करता है, दूसरा जो इनकम टैक्स का जो डिपार्टमेंट है वो एजेंसी होती है, ये दोनों एजेंसी इसको वेरीफाई करके इसको क्लियरेंस देते हैं। और ये क्लियरेंस देते हैं हर चुनाव में हर प्रत्याशी को कि भाई मेरी इतनी संपत्ति, यदि मैंने कोई ज्यादा संपत्ति बना लिया तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट इस पर कार्रवाई करती है और कोई डिपार्टमेंट का काम नहीं है। मान लो मैं एक मकान, मुझे विधायक के नाते जमीन मिला